वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम एकत्वम एकेडमी के अंदर। और बहुत दिनों से पेंडिंग डिस्कशन एंड एक मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जिनका फाउंडेशन के ऊपर ढेर सारा क्वेरी होता है, साथ में सभी पेरेंट्स जिनका फाउंडेशन के ऊपर ढेर सारा क्वेरी होता है, हम हमारे बेस्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टीज एट द सेम टाइम यंग टैलेंट को साथ में लेके आ रहे हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। सो आज हमारे साथ है SM सर, SM जोशी सर, GB जोशी सर, दैट इज अभिषेक झावरे सर, मैं ऑब्वियसली ऋषभ जैन सर, मनीष तडेजा सर, एंड एट द सेम टाइम हमारे प्रसाद झावरे सर, जो आज गाइड करेंगे एक काइंड ऑफ टॉक शो के थ्रू कि किस प्रकार आप फाउंडेशन का डिसीजन ले सकते हो। सो विल स्टार्ट विद द सेम, हमने क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया है खास करके आपके लिए, और वी होप सो कि आपके सभी के सभी सवाल इसके अंदर कवर अप किए जाएंगे। सो ओवर टू मनीष सर। सर, बच्चों के दिल की सबसे खतरनाक वाली सबसे पहली क्वेरी प्लीज। पहली क्वेरी तो हमेशा एक ही होती है, सर CA करने का तय तो कर लिया है, आखिर CA स्ट्रक्चर क्या है? तो अभिषेक सर, इसको थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि CA का स्ट्रक्चर किस तरह से है। पहले तो बहुत सारे बच्चों के दिल में एक मतलब खौफ रहता है कि CA मतलब बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। बच्चों, मैं आपको अगर बोलूं, लगभग 100 बच्चे अगर CA कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो 15 से 20 बच्चे CA बनते हैं, मे बी मल्टीपल अटेम्प्ट लगे लेकिन 15 से 20 बच्चे CA बनता है। ये CA कोर्स करने के लिए आपको है 3 लेवल्स। एक है CA फाउंडेशन, जो एंट्री लेवल है, 12वीं के बाद कर सकते हो आप। दूसरा है CA इंटरमीडिएट, वो फाउंडेशन के बाद आता है। फिर आर्टिकलशिप आता है, 3 साल का ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद CA फाइनल का एग्जाम आता है। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर है। जी भी सर, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने एकत्वम का नाम सुना है, आप अपने दिल के हिसाब से एकत्वम शब्द को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? आपने तो हमारे दिल की बात छेड़ दी ऋषभ सर। एकत्वम का मीनिंग होता है वननेस। हम सब एक है। हम सब कौन एक है? जो छात्र है, उनके जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, वो हम सब एक है। एक क्यों है? एक इसलिए है कि स्टूडेंट की, वो तो बच्चा होता है, उसकी उंगली पकड़ के उसे हमें नदी के उस किनारे पे लेके जाना है, और उसके लिए हम यहाँ जो टीचर्स हैं वो आपके सेकंड पेरेंट्स होते हैं। हम आपके पूरी तरीके से केयर करते हैं, और हमारा ये सपना है आप CA बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो एकत्वम मेरी वर्ड है कि जो इतने दिनों में 3 डिकेड से यहाँ के सब टीचर सब नोन है, और वो सब जगह आप कहीं भी जाएंगे तो भी आपको एकत्वम ये वर्ड सुनाई देगा। एकत्वम का मीनिंग क्या है वो अगर सुनना है तो किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर मिलिए, आपका आपको मीनिंग समझेगा। बिल्कुल। एक बहुत सही जवाब दिया जी सर आपने। नाउ आई वांट टू आस्क SM सर। सर, ये सवाल हमेशा बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि चलो हम तो बच्चे को हमारे एडमिशन दे सकते हैं, बट भाई एकत्वम, अब आप एज अ टीचर बहुत सालों से एकत्वम के साथ मतलब एट द स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सो आपको क्या लगता है इसका आप कैसे जवाब देना चाहोगे? नहीं, मेरा तो सवाल उल्टा आपको है कि एकत्वम नहीं तो क्या? सही बात, सही बात, ये उल्टा सवाल ऐसा है। एकत्वम में जो अनुभव है, जिसे स्टार्टिंग विथ हम यहाँ से लाइन से बैठे हैं, ये अनुभव मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली के पुणे में कहीं मौजूद है। जो रिजल्ट्स का हमें सपोर्ट है, जैसे कि 350 से ज़्यादा मेरिट रैंकर्स मैंने खुद ने पढ़ा है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए तो मैंने आपको पूछा एकत्वम नहीं तो क्या। अभिषेक सर, अब हमने ये तो तय कर लिया कि हमको एकत्वम में आना है, तो अब क्या बैचेस हैं CA फाउंडेशन के लिए स्पेशली एट एकत्वम? देखो, बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक जो CA फाउंडेशन 12वीं के बाद करना चाहता है, और दूसरा है जो 12वीं के साथ साथ करना चाहता है। तो जो बच्चे 12वीं के बाद करना चाहते हैं CA कोर्स को, तो उनके लिए हम रेगुलर बैचेस कंडक्ट करते हैं फाउंडेशन एग्जाम के लिए। ये फाउंडेशन एग्जाम नवंबर या दिसंबर मंथ में रहेगा, तो उसके लिए बैचेस अप्रैल, मई, जून, ऐसे अलग अलग मंथ्स में चालू होते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये रेगुलर बैचेस नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए चालू हो गए, अप्रैल, मई, जून में। अभी जो लेटेस्ट बैच चालू होने वाला है वो 3 अप्रैल 2023 से चालू होने वाला है फॉर दिसंबर 23 एग्जामिनेशन। दूसरा,
बहुत सारे बच्चे 12वीं के साथ साथ सीए कोर्स करते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स 12वीं और सीए फाउंडेशन के कॉमन है, प्लस फाउंडेशन के पढ़ाई की वजह से 12वीं में बहुत सारा हेल्प होता है। वी आर प्राउड दैट वी एट एकतम आर द पायनियर्स फॉर दिस पर्टिकुलर बैच सिंस द सीपीटी एग्जामिनेशन वॉज स्टार्टेड प्रायर टू फाउंडेशन। जी बी सर, एस एम सर, आपको याद होगा 2008 में जब ये चालू हुआ था, 2006 में रादर, तो उस टाइम पे हमने ये चालू किया था। तो 12वीं के साथ एक बैच होता है, उसको बोलते हैं हम एनुअल बैच। वो ईयर लॉन्ग बैच रहेगा, वो 17 अप्रैल 2023 से चालू होने वाला है फॉर मई 2024 एग्जामिनेशन। वो जून में भी और एक बैच उसका चालू होगा फॉर अगेन मई 2024 एग्जाम। अगर आपको लग रहा होगा कि 12वीं के एग्जाम के टाइम पे हमको बहुत सारा स्ट्रेस आएगा 12वीं और फाउंडेशन, ऐसा नहीं है। उस बैच में हम ब्रेक देते हैं और ये बैच बहुत सारे परफेक्शन से लेने के लिए सिर्फ अकेला एकत्वम ही है पूरे इंडिया में। कोई और कुछ भी क्लेम करे, कोई और चालू करे पहली बार, लेकिन हम ये सालों से ये करते आ रहे हैं। तो ये एनुअल बैच और रेगुलर बैच ऐसे दो है। इसके अलावा जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए हम रिविजन और फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं। अभी सबसे बड़ा इंडिया का लगभग 2100 बच्चों का फास्ट ट्रैक बैच एकत्व में अभी चल रहा है। हम सारे लोग अभी ये बैच ले रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर दैट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बैचेस है, कोई भी बच्चा कहां से भी हो उसके लिए आपको बैचेस एकत्व में मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से प्रसाद सर को है। प्रसाद सर, ये सीए कोर्स बच्चे ने करना तय कर लिया था, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन एग्जाम उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करना है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बोलेंगे। सर एक्चुअली जो भी तुम्हारा अटेम्प्ट है बच्चे का, उसके मिनिमम 4 मंथ्स बिफोर उसने इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सो आपका अटेम्प्ट डिसाइड होगा अकॉर्डिंगली 4 मंथ्स ऑन और बिफोर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। एंड एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रेशन अलग है और एग्जाम फॉर्म भरना अलग है। एग्जाम के करीबन राइट 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, जो हम क्लास में भी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं बेसिकली, तो वो अलग से भरना पड़ेगा। जी भी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं सीए कोर्स में एंटर हुआ 11-12 के अंदर, आई वाज अ नॉन मैथ स्टूडेंट एंड आई हैड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इन सीबीएसई बोर्ड। ओके, एंड मेरे टाइम में सर सीपीटी कॉन्सेप्ट था जहाँ हर सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी नहीं था। टोटल 200 में से 100 नंबर चाहिए होता था, और मुझे आज भी पता है मेरे जैसे नॉन मैथ स्टूडेंट को लगता था कि अगर मैथ्स को ऑप्शन छोड़ दिया तो भी काम हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन अब सीए में नहीं है, ये हम सबको मालूम है। अब आपको पास होना पड़ेगा, प्लस मैथ्स का इंपॉर्टेंस जिंदगी में आगे हर एक लेवल के ऊपर है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हैं जैसे कि कैट हो गया, जी मैट हो गया, तो सर अगर एक नॉन मैथ स्टूडेंट है मेरे जैसा, वो सर मैथ्स के फियर से कैसे ओवरकम कर सकता है आपके साथ में? बेसिकली ऋषभ जी, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सीपीटी के स्ट्रक्चर में उसके पहले जो P1 का स्ट्रक्चर था, उस सब स्ट्रक्चर्स में मैथमेटिक्स में भी पास होना नेसेसरी था, पहली एक बात है। और उसके बावजूद स्टूडेंट्स पास हुए थे, इसका मतलब मैथ्स इजी है। ये बात बहुत सही है आपका। नंबर टू ऋषभ जी, आपका पहले मैथ्स नहीं था, जो आपने ही बोला है। बिल्कुल, आज आप बोलते हो आई एम सीए ऋषभ जैन, आप सीए बन गए हो। ऋषभ सीए बन सकते हैं, तो बच्चों आप भी सीए बन सकते हो। नंबर टू, और उसकी इसकी वजह क्या है, जो डर होता है मैथ्स के बारे में वो बेसिकली किस वजह से होता है? 10th तक जो मैथमेटिक्स होता है वो थेरोटिकल मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैथमेटिक्स होता है, और उस क्लासिकल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री में पाइथागोरस होता है, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन होता है, ज्योमेट्री में थ्योरम होता है, ज्योमेट्री में कोरोलरी होती है। यहाँ ना थ्योरम है, ना कोरोलरी है, ना पाइथागोरस है, और ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा भी कॉस थीटा तो बिल्कुल आता नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको क्या बनना है, वन अपॉन कॉस सी इन द स्टडी। वन अपॉन कॉस सी बच्चा होता है सेक्सी, यू हैव टू बी सेक्सी इन मैथमेटिक्स। अभी दूसरी बात यह है बच्चों कि ये जो मैथमेटिक्स है ये पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के इस कोर्स में हम सीखेंगे इंडेक्स नंबर नाम के चैप्टर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। वो बढ़ता है मतलब क्या होता है, वो कम होता है मतलब क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, वो बढ़ता है मतलब क्या होता है, पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। हम ये देखने वाले हैं कि आगे का प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास रिग्रेशन जैसा टेक्निक हम सीखने वाले हैं। और एक बात ध्यान में रखो,
आप एकत्वम में आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, जो मैं कहूंगा वो आप कहेंगे करेंगे, आप क्या करना है वो हम बोलेंगे, हम साथ आएंगे, लेट्स द हैंड्स टुगेदर। और एक स्लोगन आज से बच्चों आप जब मेरे साथ होंगे तो आप बताएंगे, डर के आगे जीत है, मैथ हमारी प्रीत है। एक चीज मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा यहाँ पर, मैंने खुद जीबी सर से 2002 के अंदर मैथ सीखा हुआ है, मुझे आज भी वो रिग्रेशन के लिए अलग अलग, इफ यू रिमेम्बर जीबी सर, मतलब आपको तो याद होगा, दो डैम के लेवल थे और वो दो डैम के लेवल पे वाटर रेनफॉल होता है, रेनफॉल से कोरिलेशन कैसे निकलता है वो मुझे आज भी याद है। सिर्फ फर्क अभी डैम के जगह पे मैं निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस लेके कोरिलेशन निकलता हूँ, बस फर्क उतना ही है। अभी थोड़ा सा समय बदल गया अभिषेक, आपके जमाने में नहीं होता था, अभी जब रेन होता है, जब पानी बरसता है तो ये बच्चों में आपस में रिलेशन तैयार हो जाता है। चलो आगे, और तो मैथमेटिक्स इतना ही इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे, मैथ्स का डर बिल्कुल मन में से निकाल दो, आपकी जिम्मेदारी आज से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ओके सर, मैं तो मतलब आपने जो बोला कि मैथ्स में तो हो जाता है 1 / cos c = 6c इन द मैथ्स, पर मैं 11th 12th साइंस का था सो मेरा मैथ्स तो अच्छा है, पर सर मैं एसएम सर से पूछना चाहूंगा, आपको 35 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है सर थ्योरी सब्जेक्ट टीचिंग में, दैट इज लॉ, और मैं पिछले 10 साल से भी मैं भी लॉ पढ़ा रहा हूँ। सो एज अ टीचर, मैं पहले जब लॉ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया, एज यू हैव वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू आस्क यू, ऐसा कुछ इक्वेशन है जैसे सर ने बोला 1 / cos c, लेट्स बी सेक्सी इन द लॉ आल्सो, सो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो, सिलेक्टिव साइंस के हो, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट में दो माध्यम है, इफ यू वांट टू कम आउट विद द फैंटास्टिक रिजल्ट, नॉट द ऑर्डिनरी रिजल्ट, अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो दो चीजें हैं जो आप बचपन से करते आए, एक है टेरिफिक पढ़ना और एक कॉन्सेप्ट होने के बाद उसकी एक प्लान्ड राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो हर चैप्टर होने के बाद स्टूडेंट का टेस्टिंग होता है, तो क्या ये तीन चीजें साथ में होने लगी तो बेहतरीन रिजल्ट, ये गारंटी है। सर एक बार फिर दर्शन सर साइंस से आए हैं, अकाउंट्स के साथ कोई नाता जोता नहीं है, तो एकत्वम अकाउंट्स के साथ कैसे नाता जुड़वाता है उन साइंस के बच्चों के लिए, थोड़ा सा इसके ज्ञान दे दीजिए। सी, एक बार वो साइंस का बच्चा जो है वो H2SO4 कहते हैं उसको, वो H2SO4 के स्टूडेंट को डेबिट क्रेडिट के स्टूडेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें महीना डेढ़ महीना लगेगा। सी, एक वो एक रॉ स्लेट के जैसा है बच्चा, जिसको अकाउंट साइंस के बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं है, पहले हमें उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्यार में डालना है, फिर डेबिट क्रेडिट उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसको अकाउंटिंग का पूरा वर्ल्ड दिखाना है। तो हम बहुत सालों से साइंस के बच्चों के लिए अलग से बेसिक अकाउंट्स का बैच लेते हैं, मनीष सर खुद ये बैच बहुत सालों से ले रहे हैं, तो साइंस के जो भी बच्चे हैं आपको अगर कॉमर्स में स्विच करना है, डिसीजन लेना है, तो आप आइए, हम आपको स्पेशली गाइड करेंगे और एक महीने डेढ़ महीने के अंदर बाकी कॉमर्स के बच्चों के लेवल पर हम आपको ला के रखेंगे, अकाउंट्स का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसे एक्चुअली हम लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं और हम उसमें पूरा हुनर रखते हैं। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मेरे जैसे जिन्होंने क्लास लेट से 7th 8th तक एक हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, ऐसा लोकल स्टेट बोर्ड्स के अंदर पढ़ाई किया होगा, और ना हम जैसे बच्चों के अंदर नॉर्मली एक कॉन्स्टेंट फियर होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे सीए है, वहाँ मुझे बहुत सारे आंसर्स इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स के अंदर रहेंगे, हम उस लैंग्वेज के स्ट्रेस से किस तरीके से ओवरकम कर पाएंगे? क्या एक बच्चे के लिए जेन्युइनली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years ये ग्रोथ देखना पॉसिबल होगा? आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? सीए इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है ICAI, उन्होंने एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर के बारे में ये लैंग्वेज प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गौर किया था। okay. और फिर उन्होंने क्या किया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ऐसे दो मीडियम में से ये एग्जाम देना स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन किया है। mm-hmm. अभी रही बात लोकल लैंग्वेजेस की, महाराष्ट्र में है तो मराठी होगा और किसी कर्नाटक में हो तो कन्नड़ होगा, लेकिन दोस्तों बच्चों ये समझने की कोशिश करो कि
बेसिकली व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स हु आर नॉट नेसेसरीली गोइंग फ्रॉम यूर स्टेट नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी ओनली फ्रॉम यूर कंट्री दे आर गोइंग टू बी द ग्लोबल क्लाइंट्स एंड फॉर इंटरैक्टिंग विद ग्लोबल क्लाइंट्स मैं आपको एक बात का भरोसा देता हूँ इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड एंड नाउ ग्रेजुअली हिंदी हैज ऑल्सो बिकम विंडो टू द वर्ल्ड दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए हिंदी बोलने वाले आपको मिलेंगे तो हिंदी भी वहाँ मिलेगा अभी एकत्व में हम क्या करते हैं हम जब पढ़ाते हैं तो हम यहाँ इंग्लिश का यूज करते हैं हम यहाँ हिंदी बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं यहाँ बीच बीच में जैसे एक लड्डू में एक छोटा सा एक हम कुछ तो भी दाना डालते हैं वैसे हम बीच में मराठी भी बोल लेते हैं हमारे एक मजी सर है वो सिंधी भी बोल लेते हैं मैं खुद कन्नड़ भी बोल लेता हूँ हमारे यहाँ हाँ मराठी भी बोल लेते हैं और जैसे आप में डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक मिश्रण दिख रहा है वैसे हमारे में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले सब फैकल्टीज यहाँ मौजूद हैं तो लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल फिक्र मत करो हम आपके साथ हैं जिस भाषा में आपको समझेगा उस भाषा में हम बोलेंगे और यू कैन टॉक इन एनी लैंग्वेज दैट यू कैन स्पीक एंड वी कैन अंडरस्टैंड दर्शन सर अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल आ रहा है जो बाहर गांव से स्टूडेंट आते हैं समझो ऐसी एक दूर की जगह से आए हैं जिनको पूना कहीं ना कहीं सुना था और एकत्वम का नाम भी यहाँ आने के बाद सुना है तो जैसे हम कार लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं राइट तो वैसे ही अगर उनको एक एकेडमी ज्वाइन करनी है सीए कोर्स के लिए तो क्या एकत्वम में कुछ डेमो लेक्चर्स ऐसे कुछ सैंपल लेक्चर्स की कोई फैसिलिटी है ओके सर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में हमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है एज एकेडमिक स्ट्रक्चर में भी और सर मुझे ऐसा लगता है कि डेमो लेक्चर्स आप ऑब्वियसली कार की तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं पर टीचर की टेस्ट ड्राइव थोड़ा मुश्किल जाएगा बट स्टिल आप ऑब्वियसली पहले 5-10 दिन क्लास में आ सकते हो आप बैठ सकते हो देख सकते हो एक रेपो सेट कर सकते हो अपना टीचर के साथ में एंड आई एम वेरी श्योर ये मतलब सिर्फ मेंशन करने के लिए है कि आप टीचर के साथ रेपो सेट कर सकते हो बट आई एम वेरी श्योर जिस प्रकार से हमारे यहाँ टीचर्स को एक्सपीरियंस है और जिस एंथुजियाज्म के साथ और जिस कमिटमेंट और कॉन्विक्शन के साथ टीचर पढ़ाते हैं रेपो सेट होना ही है देयर इज नो अदर ऑप्शन एट द सेम टाइम अगर आप ऐसा कहते हो सर कि बाहर गांव से स्टूडेंट है बाहर सिटी राज्य से स्टूडेंट इवन बाहर देश से स्टूडेंट है बिकॉज मेनी ऑफ अवर स्टूडेंट्स ऑल्सो वी नो कि बाहर देश से भी है जैसे दुबई से नेपाल से एक्सेट्रा सो अगर आप बाहर गांव बाहर देश से भी हो स्टिल आई वॉन्ट टू मैंशन कि हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है एकत्वम एकेडमी नाम से और अगर आप बाहर गांव से आ रहे हो बाहर शहर से आ रहे हो तो उस चैनल के ऊपर भी हमारे कुछ डेमोज अवेलेबल है सो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आपको अगर टेस्ट राइड चाहिए तो ज़रूर आप लेक्चर का टेस्ट राइड ले सकते हैं और उससे एक आप जान सकते हैं कि टीचर के साथ आपका कितना रिपो जमेगा बट आई एम 101% श्योर कि कोई भी टीचर आप उठा के देख लीजिए उसके साथ आपका रिपो ज़रूर जमेगा आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं डेमो नोट्स दे सकते हैं नॉट ओनली रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक बैच वन डे रिविजन्स एकत्वम पूरे साल भर से लेके इवन वन डे मतलब कितना बड़ा रेंज है एक दिन से लेके एक साल तक के हम हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं इवन फ्रॉम वन डे टिल एंटायर वन ईयर सो प्लीज जरूर मैसेज करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को कि देखिएगा जरूर एक सिर्फ पॉइंट बोलना चाहूंगा हमारे यहाँ पर टीचिंग जो है वो आयुर्वेदा का इफेक्ट के जैसा है एक बार ये इफेक्ट होना चालू हो गया ना आप मुझे ये खुशी है दोस्तों आपको बताने के लिए लास्ट 34 इयर्स में 35 इयर्स में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारा स्टूडेंट एक बार अटेंड करता है और हमें छोड़ के जाता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं है चलो ये बात पे तो हम आपको तसल्ली देते हैं कि आप छोड़ के हमें जाने वाले नहीं है आपके और हमारा एक याराना बन जाएगा दोस्ताना बन जाएगा सर मतलब आप कहना चाहते हो डेमो लेने में भी रिस्क है कि जा नहीं पाएंगे डेमो लीजिए क्योंकि क्या है वो लिटमस टेस्ट है लिटमस टेस्ट है आपको वो लिटमस पेपर जैसा रेड लिटमस पेपर एसिड में वो ब्लू लिटमस पेपर रेड होने वाला ही है वैसे यहाँ लिटमस टेस्ट में हम और आप हमारे दोनों बीच में एक बंधन
बनने वाला ही है। चलो इसके आगे हम, मनीष सर मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि 10 मिनट हो गए ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, 3 डिकेड से हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहे हैं, दुनिया के देश के किसी भी कोने में जाओ 25-30 ईयर्स में जो सीए बने उनको पूछो कि आप किन के स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स के नाम क्या है, ये तो कम है। लेकिन अभी अगर ये बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उस बच्चे को और उस बच्चे के पेरेंट्स को आप ये बताइए कि आप क्या मोडस ऑपरेंडी यूज करते हो, आप टेस्ट कैसे लेते हो, आप ये सारी चीज़ों का कैसे ख्याल रखते हो। आप हमारे बच्चों को ऐसा हम आपके यहाँ भेज रहे हैं तो आप उनकी सबकी जिम्मेदारी कैसे निभाते हो। चलिए पहले शुरुआत करते हैं एकेडमिक साइड से। एकेडमिक साइड में क्लास लेक्चर्स ये सारे तो होने ही वाले हैं। जहाँ तक बात है उनके अटेंडेंस की, या तो हम लोग बायोमेट्रिक बेसिस पे अटेंडेंस ले सकते हैं या तो हम लोग क्लास में एक कोड देके उनसे अटेंडेंस लेते हैं। मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम लोग उनके अलग अलग लेवल के अटेंडेंस ले सकते हैं। दूसरा, पढ़ाई के लिए क्लास में तो पढ़ाया ही जाएगा पर इनको अगर घर जाके खुद की पढ़ाई करनी है तो हमारे एकत्वम के अलग से इनको हर सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रॉपरली मैनेज्ड कलर्ड नोट्स दिए जाएंगे। तीसरा, इनके लिए हमारे पास जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके लिए टेस्ट्स कंडक्ट की जाएगी। हर सब्जेक्ट पे लगभग 4-5 टेस्ट तो हो ही जाएगी जब तक इनका सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक। चौथा, कुछ बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको लगता है कि हम लोग हॉस्टल पे कहाँ रहें, कौन से हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, तो एकत्वम से हम लोग आपको हॉस्टल का पूरा असिस्टेंस देते हैं या हमारे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आप हॉस्टल्स ले सकते हैं। हमने वो इंक्वायरी की हुई होती है, अच्छे होते हैं तभी वो हमारे लिस्ट में ऐड होते हैं। पांचवा, किसी बच्चे का अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से लेक्चर मिस हो जाता है तो उनको बैकअप लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास हमारा खुद का ऐप बना हुआ है जिसे हम लोग LMS के नाम से जानते हैं, उस LMS पर उनको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बैकअप के तौर पे मिलते हैं। जब तक इनकी एग्जाम खत्म हो जाती है तब तक ये रिकॉर्डेड सेशंस इनके पास अवेलेबल होते हैं। और एक बात, कई सारे बच्चों को लगता है कि यार मेरे को होमसिक हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, किसी को डाउट्स हैं, तो डाउट सॉल्विंग के लिए पहला मेथड क्लास में डाउट सॉल्व करवाओ, नहीं दूसरा मेथड आप फैकल्टी से जाके ऑफिस में मिलो, नहीं पॉसिबल तीसरा मेथड आप फैकल्टी, हर फैकल्टी के आपके पास क्वेरी सॉल्विंग के लिए नंबर है, आप उन पर व्हाट्सएप करो, मैसेजेस करो, टेलीग्राम करो और अपने जवाब ले लो। और इस तरह से जब इनकी एग्जाम नजदीक आती है तो आखिर में हम लोग कंडक्ट करते हैं मैराथन लेक्चर्स, मतलब एक दिन सेम फैकल्टी सेम स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और टेस्ट सीरीज जिससे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं सर, बंदे को तो पास होना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एडिशनली मुझे ऐसा लगता है सर, अगर बंदा इन केस किसी छोटी मोटी चीज की वजह से अनफॉर्चुनेट रहा तो वी ऑल्सो प्रोवाइड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इन केस इफ ही गेट्स अनफॉर्चुनेट, यूट्यूब के ऊपर फेस टू फेस में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अवेलेबल है जिसमें सेम फैकल्टी सेम सब्जेक्ट सभी चीजों को वापस से बहुत अच्छे से पढ़ा के देते हैं। सो कोई कुछ छोटी मोटी कमी खामी रहेगी उसे भी पूरा किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया दर्शन सर कि यहाँ आफ्टर सेल सर्विस भी अवेलेबल होती है। तो ये सब हो गया फीचर्स वगैरह के बारे में। ऋषभ सर और सर, ये जो बैचेस हम यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं ये सिर्फ फेस टू फेस बैचेस रहेंगे या कोई हरियाणा का बच्चा है या दिल्ली का बच्चा है वो हमें गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव के थ्रू भी लेक्चर्स ले सकता है? क्या लगता है आपको? मैं तो हमेशा कहता हूँ बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का जरूर यूज कीजिए। बिल्कुल। सो मैं मेंशन करना चाहूंगा जितने भी हमारे फेस टू फेस में लेक्चर्स होते हैं हर बैच हर लेक्चर हर टीचर के साथ में हम हर लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस टू फेस में अवेलेबल है, मैं मेंशन करना चाहूंगा हम फेस टू फेस के साथ लाइव स्ट्रीम में भी अवेलेबल है। मतलब जो लेक्चर यहाँ चल रहा है वो सेम लेक्चर एट द सेम टाइम आप घर पे बैठ के भी देख सकते हो आपके पीसी के ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर। और ये जो लेक्चर रिकॉर्डेड है वी ऑल्सो प्रोवाइड यू एज अ बैकअप। मतलब अगर आपका कोई लेक्चर फेस टू फेस में मिस होता है या लाइव स्ट्रीम में मिस होता है तो आपको सेम लेक्चर वापस से देखते आएगा एज अ बैकअप।
और सेम लेक्चर्स हम गूगल ड्राइव के थ्रू डाउनलोड ऑप्शंस में और पेन ड्राइव मोड के थ्रू भी डाउनलोड ऑप्शंस में अवेलेबल करवाते हैं, जिसके ऊपर आपको नियरली 2 times व्यू होता है। मतलब एक बार पूरा लेक्चर देखो, नहीं समझ में आया वापस एक बार पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी टेस्ट सीरीज, सभी क्लास के फीचर्स गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में अवेलेबल है। एंड आई गेस हमने सर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव काफी अच्छे लेवल पे लास्ट ईयर्स में रीच करवाए हैं। बहुत ही बढ़िया नंबर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पूरे इंडिया से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर जो बच्चे जेन्युइनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं, टीचर से टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग करवाना चाहते हैं, एकत्वम ने बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रखा है आपके लिए। बहुत ही अच्छे प्राइसिंग डिटेल्स रखे हैं, आप जाइए ekatvam.com वेबसाइट के ऊपर और पूरे डिटेल्स देखिए, बहुत मजा आएगा। मींस मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेक्चर्स आपको वेरी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में अवेलेबल रहेंगे ekatvam.com के ऊपर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, टीचर मेरा डाउट कब सॉल्व करेगा, तो वी हैव एग्जिस्टिंग सिस्टम, सर ने जैसे बोला LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही है, बट सभी टीचर्स के नियरली आपको हो सकता है व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे जिनको आप क्वेरीज पूछ सकते हो। टीचर्स है, टीचर्स की टीम है जो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू सभी के सभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मीन्स इसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, वी आर प्राउड टू से दैट अभी तक के वर्चुअली ऐसा माइट भी कोई क्वेरी होगा जो एकत्वम एकेडमी की तरफ से किसी भी टीचर से लैग हुआ होगा या छूट गया होगा, हम कंसिस्टेंटली सभी वर्चुअल स्टूडेंट्स के क्वेरीज भी बहुत प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। सो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि कहीं आप लेफ्ट आउट हो, और आपके प्रिपरेशन में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ में रहेंगे। चाहे फेस टू फेस चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, गूगल ड्राइव ऑप्शन चाहिए, पेन ड्राइव ऑप्शन चाहिए, वी आर ऑल देयर फॉर यू। एंड ये सब बैचेस हम यहाँ पर फेस टू फेस लेंगे, प्रसाद सर ये बैचेस कहाँ कहाँ पर होंगे पुणे के अंदर? अलग बच्चे के लिए हम कितने ऑप्शंस दे रहे हैं, और एक खुशखबरी जो आप बोलना चाहते थे बच्चों को बोलिए। हमारे 3 locations से पुणे में फेस टू फेस बैचेस के लिए, सबसे पहला लोकेशन है इंदुलाल कॉम्प्लेक्स नवीपेट, दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों के पास वो प्रेस्टीज पॉइंट बाजीरा रोड, एंड तीसरा ऑप्शन है कैंप पुणे स्टेशन के बाजू में। एंड हम अब रिसेंटली बहुत कम दिनों में हम पिंपरी चिंचवड़ में एक नई ब्रांच लेके आ रहे हैं एकत्वम। क्या बात है। सो जो पिंपरी चिंचवड़ के बच्चे उनके लिए भी वो एकदम कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाएगा। सो अभी एग्जिस्टिंग 3 जगह पे हम फेस टू फेस बैचेस ले रहे हैं, एंड सून हम 4th location भी लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सब एक बात पे विश्वास करते हैं, हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान हो जल जाएगा। एकत्व में जान है, 30 years से ज़्यादा समय के लिए एकत्व जिंदा है, एकत्व यहाँ आपके लिए मौजूद है। तो शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया पेरेंट्स, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा आपका डिस्कशन बच्चों, आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हो, आइए मिलिए बात कीजिए। Hopefully आपके सारे क्वेरी सॉल्व हो गए। थैंक यू भाई। थैंक यू वेरी मच। याद रखिएगा हमेशा कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम एकत्वम।